नमस्कार, मैं हूं शुभे और आप देख रहे हैं न्यूज फाउंडेशन। बिहार विधानमंडल में पिछले 4 दिनों से बजट सत्र की शुरुआत हो गई है और आज 5वां दिन है। गुरुवार का दिन है और सभी के निगाहें सदन पर टिकी होगी, क्योंकि पिछले 4 दिनों की अगर सदन की बात की जाए तो जिस तरह की तस्वीर सदन के सामने से आई, ऐसे में तो साफ दिखता है कि विपक्ष पूरी तैयारी के साथ सदन में जाता है और कई सारे सवाल बिहार सरकार पर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर दागता है। और ऐसा ही कुछ अगर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की बात की जाए तो वो लगातार सदन में एक्टिव दिखाई देते हैं। यहां तक कि अलग अलग आंकड़ों के जरिए वो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को सच्चाई दिखाने की कोशिश करते हैं। इतना ही नहीं, आपको बता दें कि सदन की शुरुआत होने से पहले ही विपक्ष के तमाम जो विधायक हैं वो अपने अपने अलग अंदाज में अलग अलग मुद्दों को लेकर अपनी आवाज बुलंद करते हैं और हर वो कोशिश उनकी तरफ से की जाती है कि किसी भी तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरा जाए, उन पर निशाना साधा जाए, उनसे सवाल किए जाए। अलग अलग मुद्दे, अगर हम बात करें महंगाई की, पेट्रोल डीजल के बढ़ते दामों को लेकर, बढ़ते हुए अपराध को लेकर, या फिर जनसंख्या वृद्धि को लेकर, यानी कि हर छोटे बड़े मुद्दे को लेकर सदन में उनकी तरफ से आवाज बुलंद की जाती है। इतना ही नहीं, अगर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की बात की जाए तो कुछ ही दिनों पहले उन्होंने एक बैठक बुलाई थी जिसमें तमाम कार्यकर्ता विधायक थी और उन्होंने साफ आगे की रणनीति बताई और कहा कि पूरी तरीके से अपनी तैयारी करके सदन में पहुंचना है। आपको जो भी सवाल करने हैं वो अच्छी तरीके से आप लिख लें, उसके बाद सदन में अपनी आवाज को दबने नहीं देना है और खुलकर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निशानी साधना है, उनसे सवाल पूछना है और ये जानना है कि आखिर ये जो घटनाएं हैं, ये जो मामले हैं, वो बिहार में क्यों बढ़ते जा रहे हैं। खास करके अगर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव को देखें तो वो पिछले 3 दिनों से लगातार सदन में अलग अलग रिपोर्ट पेश कर रहे हैं, चाहे बढ़ते हुए अपराध के मामले हों, या फिर किसानों का मुद्दा हो, रोजगार का मुद्दा हो, या फिर बिहार में शिक्षा व्यवस्था की ही बात क्यों ना हो। अभी तक नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इन तमाम को बड़े ही सलीके से सदन में उठाया है, अपनी आवाज बुलंद की है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सवाल दागे हैं। और अगर कल के सदन की बात की जाए तो कई सारी ऐसी चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई थी। आपको याद हो तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का काफिला जब बाहर निकलने लगा तो उस वक्त CPIMLE के तमाम विधायक धरना प्रदर्शन पर बैठ गए, यानी कि सदन का माहौल काफी तनावपूर्ण दिखाई दे रहा है। ऐसे में आज भी क्या सदन सही तरीके से, सलीके से, शांतिपूर्ण तरीके से चल पाएगा या नहीं, ये तो देखने वाली बात होगी। लेकिन ये कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि विपक्ष आए दिन नई नई तैयारियां करके नए नए अंदाज में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को घेरने की कोशिश करता है, बिहार सरकार पर सवाल खड़े करता है। कुछ वीडियो हम आपके साथ छोड़े जाते हैं जिसमें देखिए किस तरीके से विपक्ष के तमाम विधायक अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं और कैसे धरना प्रदर्शन सदन के बाहर कर रहे हैं। नहीं चलेगा मार्शल की गुंडागर्दी, नहीं चलेगा। अरे हम लोग और प्रेस वाले को लाठी लेकर हड़काया जा रहा है। मुख्यमंत्री का जी हमारे साथ धक्का मुक्की की गई, हमारे साथ भी धक्का मुक्की की गई, ये बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा, बिल्कुल घेरेंगे। ये 18 मंत्री इनके आपराधिक क्षेत्र के मंत्री हैं, 18 मंत्री आपराधिक मंत्री हैं, इनको हटाना होगा। बड़े नेताओं का काम है और सर्वदलीय बैठक में ये तय हो कि ये बनना चाहिए नहीं बनना चाहिए। पहले तो हमारे नेता ने कहा है कि जातीय जनगणना होना चाहिए कि किस जाति के कितनी जनसंख्या है, उस पर बहस होनी चाहिए। आज से नहीं, आज आदरणीय हमारे लालू प्रसाद यादव जी भी उठाए थे इस मामले को, हमारे नेता तेजस्वी यादव भी इस बात को नहीं, अब तो नीतीश कुमार भी तो कह रहे हैं उठा रहे, तो करें करे तब ना पता चलेगा, पहले इसका होना चाहिए तब कोई बात। भाई हाँ भैया,
बर्खास्त करना होगा, करना होगा, करना होगा। लेसी सिंह पर हथियारों का जखीरा का आरोप क्यों? मुख्यमंत्री जवाब दो, जवाब दो, जवाब दो। एक शॉट हाथ उठाइए सब लोग, एक शॉट। अरे आप बोलना जरूरी आए लगे हैं, शॉट्स बन रहा है ना दादा। कराना होगा, कराना होगा। सबसे कम का उच्च स्तरीय जांच कराना होगा, कराना होगा, कराना होगा। यहाँ में पढ़ते भाई पर मुख्यमंत्री जवाब देना होगा, देना होगा। यहाँ में पढ़ते अपराध पर मुख्यमंत्री शर्म करेगा।